गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी फिर से, इंडिया के कुछ और पार्ट्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी में हम वो केवल पढ़ा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी मेन डेटा ही है, डेटा का मीन्स वन लाइनर्स, ये चीज़ें जो हमने अभी तक करवाई हैं। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर तो केवल अंडरस्टैंडिंग था, नहीं दूसरे लेक्चर में भी वो आर्कटिक सर्कल्स लिखने थे, ये थर्ड लेक्चर। तीनों का जो लिखवा रहे हैं उसको मुंह जवानी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा सा कोई पेन लेते हैं हम लोग। ओके, इंडिया, इंडिया का एरिया क्या है? इंडिया का एरिया है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर जो भी बोलते हैं, ये आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पूरे वर्ल्ड एरिया का, मतलब अगर पूरा वर्ल्ड एरिया देखा जाए तो उसका 2.4% है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया अच्छा कौन से नंबर पर आता है जब आप लाइक साइज़ देखते हैं, तो साइज़ वाइज सेवेंथ नंबर पर आता है, सेवेंथ इन वर्ल्ड साइज़ के मामले में। अच्छा, पॉपुलेशन के मामले में किस पर आता है? फर्स्ट पर। ओके, अब आता है भारत की लंबाई और चौड़ाई, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। अगर हम लोग लेंथ देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, ये जाता है 3214 किलोमीटर। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्थ टू साउथ 3124 किलोमीटर। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 2933 किलोमीटर्स। आपके दोनों, आपको दोनों लास्ट स्टेट्स, लास्ट वो पता होने चाहिए, लाइक लास्ट क्या है। नॉर्थ में सबसे ऊपर है जम्मू का वो लद्दाख, लद्दाख सबसे नीचे है तमिलनाडु, इधर सबसे इधर क्या है गुजरात, इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए हम थोड़ी देर पॉज कर रहे हैं स्क्रीन। ओके, अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, ठीक है। तो अपना यूनिवर्स कैसे बना है? बिग बैंग से। बिग बैंग पहले बहुत छोटा था, सिंगुलैरिटी थी, बिग बैंग हुआ, वो ना जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए बिग बैंग की थ्योरी किसने दी है। बिग बैंग की थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेंटर ने। ओके, बिग बैंग थ्योरी बाई जॉर्ज लेमेंटर। ओके, अर्थ का रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर्स। ये मोर स्पेसिफिकली 6328 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट है, बट हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 6400 किलोमीटर्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए फटाक से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डेटा पर। देखो अपनी अपनी कौन सी गैलेक्सी है, अर्थ कौन सी गैलेक्सी में? अर्थ है मिल्की वे में। रेड पेन ले लें, यहाँ पर काम करेगा। मिल्की वे में हमसे सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है? नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। ओके, एंड्रोमेडा, जो स्पेलिंग ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। फिर ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आर गैलेक्सी, हमारे मिल्की वे में सबसे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? ओरियन नेबुला। ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको लाइक मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये तो अपने गैलेक्सी का हो गया, पर रात में हो सकता है किसी और गैलेक्सी का सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा हो, तो ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल एट नाइट ये कौन सा है? ये है सीरियस, सीरियस या डॉग स्टार, इसे दो डॉग स्टार भी बुलाते हैं। ओके, अब ये हो गया अपनी गैलेक्सी का सबसे चमकदार ओरियन नेबुला, सबसे ज़्यादा रात में कौन सा चमकता है? सीरियस, ये अपनी गैलेक्सी का नहीं है। और अपने सन से सबसे पास सन कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी या सेंटाउरी जो बोलते हैं आप, आजकल तो अलग अलग इंग्लिश के प्रोनंसिएशंस आ गए हैं, तो प्रोक्सिमा सेंटाउरी। ओके, ये क्लोजेस्ट सन है अपने सन से, स्टार एक सन ही तो होता है। ओके, इसको भी पॉज करके लिख लिया, ठीक है। जब भी हम ऐसे छोड़ा करें तो पॉज कर लिया करो स्क्रीन, तब लिखा करो। फिर आती ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी जैसे सन होता है, सन कैसे डाई होता है, फिर वो कैसे ब्लैक होल बनता है या वो बनता है क्लाउड बनता है, क्या बोलते उसे, अरे क्या नाम ही नहीं आता रहा, हटाओ। तो ब्लैक होल थ्योरी दी गई थी एस चंद्रशेखर ने, इंडियन थे, अमेरिकन इंडियन थे,
एस चंद्रशेखर, इन्होंने दिया था। ओके अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो पहला जैसे अभी मैप दिखता है, पहले मैप ऐसे नहीं दिखता था, पहले मैप ऐसे दिखता था ऐसे। ओके ये पूरा लैंडमास जुड़ा था, देखो ये पूरा जुड़ा है। इसको बोलते थे हम लोग पेंजिया सुपर कंटिनेंट, इसको बोलते थे सुपर कंटिनेंट। ओके फिर क्या हुआ, समय के साथ ये टूटना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ। ओके ओके ये टूटना शुरू हुआ, टूटते टूटते ये सब अलग अलग हो गया। देखो पहले ये हुआ फिर ये हुआ, नहीं गलत बोल दिए काम, पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ, अभी का अपना बिल्कुल ऐसा है। ठीक है सब देखो अलग अलग टूट गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरेशिया। ओके तो जब सबसे पहले ये था तो इसको बोलते थे पेंजिया, और जो केवल एक ओशन था इसको बोलते थे पेंथालसा। ओके पेंथालसा नीचे हमने लिखा है, देखो सुपर ओशन था पेंथालसा और सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, ये आपको पता होना चाहिए बस कि सबसे पहले क्या था। लाइक जब ऐसे डिवाइड नहीं हुए थे ये सब पार्ट, अब देखो अब ऐसे अलग अलग डिवाइड हो गए। ठीक है ये हो गया, जब ये टूटे ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये टूटे क्यों, क्योंकि ये सब छोटी छोटी प्लेट्स में थे, प्लेट लाइक अगर हम ऐसे कोई प्लेट दो जोड़ दें, तीन प्लेटें जोड़ दी मान लो हमने, अब हम इस सरफेस को अगर ये मान लो एक प्लेट है, अगर हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा तो अगली बार ये दोनों ये तीनों ऐसे नहीं हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही हुआ जब अर्थ हिली पहली बार तो ये सब टूटना शुरू हो गया। तो टूटे कैसे, इनकी सात मेजर प्लेट्स थी, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, माइनर 27 प्लेट्स हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, बट देखो हमेशा हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। अब आपको सातों मेजर प्लेट्स याद करनी है और 27 माइनर, बट आप माइनर क्यों याद करेंगे, केवल 7 याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं आता है इनमें से कौन सी मेजर प्लेट नहीं है या इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है। आपको जब ये 7 पता है तो बात ही खत्म है। ओके तो 7 प्लेट कौन कौन सी थी, फर्स्ट इज अफ्रीकन, सेकेंड इज अंटार्कटिका, थर्ड इज यूरेशियन, फोर्थ इज इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिफ्थ इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सिक्स्थ इज साउथ अमेरिकन प्लेट एंड सेवेंथ इज पैसिफिक प्लेट। ये आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए, ठीक है मुँह जवानी। ओके अब सातों प्लेटें हम गिनाए दे रहे हैं, देखो सबसे ऊपर प्लेट कौन सी, अफ्रीकन है, ये अफ्रीकन प्लेट है, चलो नंबर लिखे दे रहे हैं 1। दूसरी है अंटार्कटिक प्लेट, ये देखो दूसरी, फिर आती है यूरेशियन प्लेट, देखो तीसरी, फिर आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये वाली देखो ये 4, फिर आती है नॉर्थ अमेरिका 5th, फिर आती है साउथ अमेरिका 6, और 7th आती है पैसिफिक प्लेट। लार्जेस्ट प्लेट है पैसिफिक, देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इतना सब पढ़ाई डाल रहे हो कहाँ याद होगा, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो, जैसे एक दिन में तुम केवल इतनी चीज़ याद कर लो, नहीं याद होगी, कैसे नहीं याद होगी, तुम 10 दिन लगातार रटो याद हो जाएंगे, तुम्हें कोई इसका अंदर नहीं घुसना, ये तो हमने मैप दिखा दिया आपको समझाने के लिए, दिमाग लगाओ, साथ तो याद करो बस बैठ के। ठीक है ये हो गया, अब आते हैं हम लोग एक और टॉपिक पर, इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब आते हैं हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, ठीक है ये अपना है अर्थ, ठीक है ये है अपना अर्थ। अर्थ के ऊपर एक गैसियस एक फॉर्म में चीज़ें हैं जो अपनी अर्थ को बाहर के सनरेजेस से बचाती हैं, हार्ड हार्मफुल सनरेजेस से। तो यही एटमॉस्फेयर कुछ 5 भागों में बटा है, इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर,
सेकेंड इज स्टेटोस्फियर, थर्ड इज मेजोस्फियर, फोर्थ इज आइनोस्फियर एंड फिफ्थ इज एग्जोस्फियर। ओके, ये पांच हैं, इनको लाइन वाइज याद कर लो। तभी हमने देखो जो कलर चूज किया है यहाँ पर उसी कलर से हमने नाम लिखा है। तो सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, आइनोस्फियर, तो एक्सपोस्फियर। अब आपको ये, अब ये वाला मैप देखो, हम लोग यहाँ खड़े होते हैं देखो ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन उड़ते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिए बस। फिर आता है मेजोस्फियर, इनकी हाइट नहीं पूछी जाती है जनरली, तो याद करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर को आइनोस्फियर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट हैं। तभी हम लोगों की सारी सैटेलाइट, सारा जो रेडियो मटेरियल है वो इसी उसमें रहता है, इसी में अरोरा बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आयंस से सनरेज पड़ेंगी, फोटोन्स में बदल जाएंगे। सबसे आखिरी में होता है एग्जोस्फियर, ठीक है, बस इतना याद कर, इतना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।